वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे मॉडल्स को ऑन पेपर डेकोरेट कर सकते हैं किसी भी वेस्ट मटेरियल या घर में इजीली अवेलेबल मटेरियल्स की हेल्प से। तो ये जो सबसे फर्स्ट मॉडल है, ये हमने स्पून की हेल्प से डेकोरेट किया। स्पून जो प्लास्टिक स्पून होती है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। प्लास्टिक स्पून के हमने सिर्फ प्लास्टिक स्पून के हेड को पेस्ट किया, जो बॉटम का पार्ट होता है प्लास्टिक स्पून का वो हमने ब्रेक कर दिया, हमने तोड़ दिया है, और सिर्फ हेड्स को हमने ऐसे गाउन की फॉर्म में पेस्ट किया हुआ है। उसके ऊपर से हमने वाटर कलर किए हुए हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो यहाँ पर किसी वाटर कलर की हेल्प से डेकोरेशन कर सकते हैं, जैसे आप एक इंसेक्ट का फेस डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ पर, और या फिर यहाँ पे आप एक पिकॉक फेदर का लुक दे सकते हैं, जो पिकॉक मोरपंख होता है उसका डिज़ाइन यहाँ पे आप बना सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे अच्छा लुक देगा। ये जो सेकंड मॉडल है, ये घर में जो फ्लावर्स अवेलेबल थे उनको पेस्ट किया हुआ है, और ये थर्माकोल की गोली होती है, या फिर आप मोती भी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये फ्लावर नहीं पेस्ट करना चाहते तो आप ये जो नेट का कपड़ा है, जो कोई भी घर में बचा हुआ कपड़ा होता है ट्रांसपेरेंट टाइप या जिस पर डेकोरेशन होती है, उसको ऊपर से पूरा पेस्ट कर सकते हैं एक गाउन का लुक देने के लिए। और उसके ऊपर ये अलग से, या तो कपड़े में ही इनबिल्ट डिज़ाइन हो, या फिर उसके ऊपर से आप अलग से कट करके किसी दूसरे क्लोथ से ये पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप मोती की लेयर भी इस पर पेस्ट कर सकते हैं, तो ये गाउन का लुक देगा। जो थर्ड वन है, ये हमने बटन की हेल्प से डेकोरेट की हुई है। ये हमने स्मॉल साइज़ के और लार्जर साइज़ के बटन यूज़ किए हुए हैं। आप चाहे तो दो कॉम्बिनेशन में बटन्स को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एक सिंगल कलर के बटन को भी यूज़ कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग जैसे स्प्रेड करना चाहते हैं आप गाउन में स्प्रेड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मॉडल है, ये हमने ऊन की हेल्प से डेकोरेट की हुई है। वूल तो सबके घर पे इजीली अवेलेबल होती है, क्योंकि सबकी मदर्स यूजुअली ऊन के कपड़े बनाती हैं, तो हमने ये ऊन को रोल करके पेस्ट किया हुआ है। आप चाहे तो ऊन के फ्लावर्स भी बना सकते हैं, अगर आपको बनाने नहीं आते हैं तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बनाना सिखा सकती हूँ। और फिर फ्लावर बना के उसके सेंटर में हमने ये मोती पेस्ट किए हुए हैं ताकि ये एक फ्लावर का लुक दे। यहाँ पे हमने ये स्ट्रेट, हमने उनको स्ट्रेट कट करके पेच किया गया है। जो नेक्स्ट मॉडल है, इसमें हमने फर्स्ट तो कलर किया हुआ है ड्रेस में, और फिर उसके बाद जो उसका बॉटम का पार्ट है उस पर हमने फ्लावर्स पेस्ट किए हुए हैं। ये फ्लावर्स मेरे घर में वास में रखे हुए थे और ये काफ़ी पुराने हो चुके थे, तो इसलिए आपके घर में भी कोई फ्लावर्स वगैरह फिर कोई और डेकोरेशन का आइटम अगर है, जैसे कि कलरफुल शीट्स होती हैं, वो भी आप फ्लावर बना के पेस्ट कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि आप फ्लावर ही यूज़ करें, आप चाहे तो नेचुरल फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम के साथ ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, इसलिए हम असली फूलों का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये रिबन की हेल्प से डेकोरेट की गई है। इसमें ये सिंगल रिबन है जिसको कट करके फोल्ड करके ऐसे गाउन की शेप दी गई है। पहले रिबन को ऊपर से पेस्ट करते हुए फिर उसको फोल्ड करके अगेन देन फोल्ड दिस साइड आल्सो फोल्ड, और फिर यहाँ पे रैप करके पेस्ट कर दिया गया एक फोल्ड देके, और जो बैक का पार्ट दिख रहा था उस पर रिबन कट करके सिंपली पेस्ट कर दिया गया, यहाँ पे फोल्ड नहीं है। तो ऐसे हम गाउन को रिबन की हेल्प से भी बना सकते हैं। इस गाउन को हमने टिश्यू पेपर की हेल्प से डेकोरेट किया गया है। हमने जो वाइट टिश्यू पेपर होता है, वाइट टिश्यू पेपर को यूज़ करना है, और वाटर कलर लेना है हमें, वाटर कलर, वाटर और फेविकॉल का अप्रोक्सीमेट, मतलब उसमें फेविकॉल ज़्यादा मिक्स करनी है, वाटर थोड़ा कम मिक्स करना है, और फिर टिश्यू पेपर को इस पर पुट करके, टिश्यू पेपर को रख के उसके ऊपर हमें ब्रश की हेल्प से धीरे धीरे उस मिक्सचर को अप्लाई करना है, फेविकॉल, वाटर और कलर के मिक्सचर को अप्लाई करना है। तो टिश्यू पेपर जैसे जैसे सूखता रहेगा तो वो इस पर पेस्ट हो जाएगा, कलर तो हो ही जाएगा साथ में चिपक भी जाएगा क्योंकि हमने उसमें फेविकॉल यूज़ की थी।
तो ऐसे हमने ये पूरा टिश्यू पेपर यहाँ पे लुक दिया है गाउन में, और ये हमने फैदर पेस्ट किया है ये सिर्फ डेकोरेशन के पर्पज़ से। जो लास्ट है वो हमने न्यूज़पेपर की हेल्प से डिज़ाइन की गई है, इसमें न्यूज़पेपर को रोल किया हुआ है, जैसे भेलपुरी बना के, जो भेलपुरी वाला जैसे देता है बना के रोल में रख के, वैसे ही हमने इन छोटे छोटे पीसेस को टू स्मॉल साइज़ के पीसेस को कट करके उनको रोल करके और फिर पेस्ट किया गया है, और इसको गाउन जैसा लुक देने की कोशिश की गई है। आप चाहें तो न्यूज़पेपर को अपने अकॉर्डिंग किसी और शेप में पेस्ट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर के साथ तो आप किसी भी तरीके से खेल सकते हैं। अगर आपको और आइडियाज़ चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं फ्यूचर में और भी वीडियोज़ पोस्ट करूँगी। थैंक यू, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि आप फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ को भी देख सकें।